हमें छोटे छोटे ऐसे संकल्पों के द्वारा देश को गढ़ना पड़ेगा कि जब हमें स्वदेशी विकल्प उपलब्ध है और वो भी श्रेष्ठतम विकल्प उपलब्ध है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो हेयर क्लीनिंग के लिए शैम्पू है, चाहे वो साबुन है, चाहे वॉशिंग पाउडर है, चाहे वो डिश वॉश बार है। अब पतंजलि का जो डिश वॉश बार है उस जैसा बर्तन साफ करने के लिए किसी विदेशी कंपनी के पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो भाई वो यदि हमें प्रोडक्ट और प्राइस वाइज हम उनसे प्रत्येक प्रोडक्ट का हमने पूरा कंपेरेटिव लिस्ट दिया हुआ है, 25 से लेकर के 100-200% तक सस्ते हैं, उसके ऊपर से भी छूट 5 से 10% की, और उसमें ऊपर से 5 लाख रुपए का ये उसमें सहयोग, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो स्वदेशी समृद्धि जो कार्ड है इसको तो हमें, इसके तो स्थायी रूप से विकलांगता के ऊपर 2.5 लाख रुपए का, और जो है कोई दुर्घटना में मौत होगी तो 5 लाख रुपए का सहयोग, ये अभी तक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी किसी भी संस्था के द्वारा पूरे देश नहीं दुनिया में सबसे पहले इनिशिएटिव पतंजलि ने लिया है। तो इतने बड़े बड़े कार्य हैं ये। और भाई चाहे वो आटा है, चाहे वो चावल है, चाहे वो नमक है, चाहे वो दाल है, चाहे वो डेयरी प्रयोग वाले हमारे घी तेल आदि हैं, माने जिंदगी की जरूरत की, देखो विलासिता के सामान तो कितने भी हो सकते हैं, जिंदगी की जरूरत का कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो पतंजलि ना बनाता हो। तो ऐसी प्रतिबद्धता कि मेरे घर में ऐसे सैकड़ों लोग मुझे फ्लाइट में मिलते हैं, देश में मिलते हैं, विदेशों तक में मिलते हैं, और चाहे वो जज हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे मीडिया में, अलग अलग कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे गरीब आदमी हैं, चाहे सामान्य, चाहे मध्यम वर्ग के, बोले जी हमारे पिताजी ने ऐसा बोला हुआ, हमारी माँ ने ऐसा बोला हुआ, हमारे घर में जो हमारी बहू है, हमारी घर में जो गृहिणी है, पत्नी है, उसने ये नियम बना रखा कि पतंजलि का सामान ही हमारे घर में आएगा। ऐसे प्रतिबद्धता वाले लाखों लोग अभी उनको अपने इन स्वदेशी का ये जो कार्य है इसको भी हमें, क्योंकि योग आधार है हमारी सेवाओं का, और उससे जब व्यक्ति की दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो उसको पता लगता है कि स्वदेशी की महिमा क्या है। ऊपरी तौर पर चीज़ों को देखते हैं, बोले मैंने ये कोलगेट कर लिया तो इससे क्या हानि हो गई देश की, मैंने जो है लक्स लाइफ बॉय का प्रयोग कर लिया तो इससे क्या हानि हो गई देश की, ऐसे ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हमें ऐसे जैसे इस बार पूरी योजना बनाई गई है कि पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन के रूप में इन योग शिविरों को और योग की कक्षाओं को हमें बहुत बड़े रूप में एक मास मूवमेंट के रूप में अभी पूरी जो है प्रखरता के साथ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ, तीव्र संवेग से इसको प्रतिष्ठापित करना है। तो वहां स्वदेशी की भी बात करें, 2-3 बात तो आपको करनी है कि भाई एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने 100 साल तक देश को गुलाम रखा और लाखों करोड़ रुपए पहले लूट करके लेकर के गए, और आज भी करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। जब इतनी सी बात कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और वर्तमान में 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, आप सीधा सा जब पूछते हैं, और मैंने ये प्रश्न हजारों बार अपनी सभाओं में पूछा, और उससे एक वेग उठता है पूरे लोगों के दिलों के अंदर, एक विचार उठता है, इसी को आंदोलन कहते हैं। लोग आंदोलित होते हैं कि 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। तो हम भले ही राजनीतिक रूप से आजाद हैं लेकिन आर्थिक रूप से और धीरे धीरे फिर सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी हम विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं, ये देश के लिए शोभा नहीं देता। तो करोड़ों लोग एक साथ तैयार हो जाते हैं स्वदेशी के संकल्प के लिए, ये ताकत है एक विचार। जैसे बार बार कहा जाता है ना कि एक पहले जो हथियारों की लड़ाई थी वो तो अब कबोबेश चलती रहती है, लेकिन विचारों की लड़ाई तो हर समय चल रही है, और उसमें यह वैचारिक और आर्थिक गुलामी का प्रश्न है। तो एक किसी से भी पूछो, भाई देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए, तो सब कहते हैं देश में रहना चाहिए। तो पतंजलि से पतंजलि देश का पैसा देश में ही नहीं रहता है। दूसरी बात, अगली खास बात यह है कि ये विदेशी कंपनियां हर साल हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत को मानते हैं, ही मानते क्या है, चीन तो
उसमें तो दूसरा देश घुस ही नहीं पाता, अपना ही इतना उसने सारी दुनिया में छाया हुआ है। वो तो पूरी दुनिया का करीब अलग अलग देशों में 50 से 80% जो भी मैन्युफैक्चरिंग होकर के जा रहा है वो चाइना से जा रहा है, तो उसमें तो कोई घुस ही नहीं पाता। अब चाइना के बाद दूसरी कोई बड़ी आबादी वाला देश है तो भारत ही है। पूज्याचार्य श्री बार बार कहते हैं कि पतंजलि के लिए देश एक बाजार नहीं, एक परिवार है, उनके लिए देश एक बाजार है। और 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो हर साल ये छोटी मोटी कंपनियां लूट करके ले जाती हैं, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा। तो बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 50,00,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है, तो कम से कम 10,00,000 करोड़ रुपए, 10% भी प्रॉफिटेबिलिटी का गिना जाए तो 10,00,000 करोड़ रुपए ये FMCG वाला के अलावा टोटल करीब 10,00,000 करोड़ रुपए से बीड़ी, सिगरेट, शराब, नमक, आटा, चप्पल, जूते, पेन, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल सब में छाए हुए हैं। करीब 10,00,000 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां लूट रही है। तुम्हें थोड़ा तो बचा लो जो तुम्हारे बस में है, कम से कम जीरो टेक्नोलॉजी वाली चीजें तो मत खरीदो, और वो भी महंगी तो मत खरीदो, ख्याली केमिकल्स तो मत खरीदो। तो ये जब बात बताएंगे अपने शिविरों में तो करोड़ों लोग, आज करीब 25 साल हो गए हम लोगों को, 25 साल हो गए हमने कोई विदेशी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो जब हम ऐसा व्रत ले सकते हैं तो देश के लोग क्यों नहीं लेंगे? आप लोगों ने व्रत लिया हुआ है, इसको बहुत, ये विषय पूरी संवेदना का है, ये आस्था का विषय है, ये निष्ठा का विषय है, ये जज्बात का विषय है, ये अपनी मातृभूमि की सुरक्षा का विषय है, ये भारत की आर्थिक आजादी का विषय है। इसको इतनी गंभीरता से रखें कि चारों तरफ, एक तरफ विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र और एक तरफ आपके देशभक्ति का जज्बा, ये उन पर भारी पड़ना चाहिए। इतनी ताकत से इस स्वदेशी के आंदोलन को आपको स्वर देने। फिर अगली बात आती है तो विदेशी कंपनियां जो लूट करके लेके जा रही हैं वो आपने बात करो कितना उनका कब्जा। भाई पतंजलि का क्या है? पतंजलि ने जो कुछ किया, आज वर्ल्ड के यदि बात करें तो 5 बड़े इंस्टीट्यूशंस, योग का विश्व का सबसे बड़ा संस्थान, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक शिक्षा का, और इसके साथ साथ वैदिक संस्कृति, संस्कार और खेती से लेकर के गो सेवा से लेकर के रिसर्च का, माने जो हमारा परंपरागत जो योग आयुर्वेद का और वेदों का ज्ञान है उसके ऊपर आधारित दुनिया का, जैसे पूज्याचार्य श्री ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वो पतंजलि ने बनाया है, किसी सरकार ने नहीं बनाया है। पूरा ड्रग डिस्कवरी एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का, और उसमें पूरा हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान, वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के आधार पर उसको आगे बढ़ाने का कार्य, कितने बड़े बड़े काम किए। तो भले भाई आप यदि पतंजलि की सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं तो हजारों करोड़ रुपए के, 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के, तो आप यदि उसको बाजार भाव से उसका मूल्यांकन करते हैं तो चैरिटी के काम किए। और पतंजलि जो भाई देखो बैंकों से जो कर्ज ले रखा है उसका तो ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, मूलधन भी लौटाना पड़ेगा। जो पतंजलि का जो प्रॉफिट है वो केवल और केवल 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए, विदेशी कंपनियों की बात छोड़ो, देसी कंपनियां भी ऐसा नहीं करते हैं। जो भारत में टाटा, बिरला, डालमिया, कोई बड़े अडानी, कितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं और वो अपने लिए कितने बड़े साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है, ऐसे ऊंचे संकल्पों को लोगों के साथ शेयर करके स्वदेशी के व्रत में इस तरह से दृढ़ता पैदा करनी है कि हमें ऐसा दृढ़ व्रत लेना है कि कुछ भी हो जाए हम कम से कम शून्य तकनीकी की बनी कोई भी विदेशी वस्तु प्रयोग इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, ऐसा जज्बा पूरे देश के अंदर अपने को भरना है। इस योग के साथ स्वदेशी को एक आंदोलन के रूप में हमें पूरे देश के अंदर प्रतिष्ठापित करना है। तो ऐसे ऊंचे संकल्पों के लिए हम लोग 18-18 घंटे, पूज्य आचार्य श्री का तो जीवन का मंत्र ही, जैसे मैंने बार बार कहा है, स्वेन कृतना संवदेत, कि एक हमारे कर्म की ध्वनि वो हजारों लाखों करोड़ों शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो ऐसे पूज्य आचार्य श्री 18-18 घंटा पुरुषार्थ करके, और इतना बड़ा यह जो स्वदेशी को मूर्त रूप दिया है, स्वदेशी सपनों में, ख्वाबों में होता था, किताबों में होता था, बड़े बड़े मंचों पर होता था, और उन्होंने ज़रूर एक विचार देश में तैयार किया,
चाहे वो स्वदेशी के लिए स्वदेशी जागरण मंच से लेकर के, आर्य समाज से लेकर के, और तमाम शांति कुंज से लेकर के, तमाम और सामाजिक संस्थाओं से लेकर के, बहुतों ने स्वदेशी का विचार जो है उसके लिए देश में आंदोलन पैदा किया। और जो है बंग भंग के बाद देश में यह 1902-03 से आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो 100 साल पुराना आंदोलन खाली ख्वाबों में था, किताबों में था, मंचों पर था, विचारों में था, उसको जमीन पर साकार किया। उसके लिए पूज्य आचार्य श्री ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, और इस पुरुषार्थ को हमें अब जन चेतना के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में इस तरह से खड़ा कर देना है कि आज देखो उन विदेशी कंपनियों के पास ये आधार क्या है, सब कुछ अपना है, हमारे लोग हैं जो उनके साथ भी जुड़े, तो इस तरह से एक विचार से तो सब कुछ बदल जाता है। विचार के आधार पर ही तो धर्म है, संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, देश हैं, सब कुछ तो विचार के आधार पर है। हमारी जीवन की दिशाएं हैं, हमारा जो चरित्र है वो विचार से ही तो निर्मित है, बाकी और है क्या। तो ऐसा एक विचार का आंदोलन ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति का, राष्ट्र के स्वाभिमान का, भारत स्वाभिमान का मतलब ही यही है। तो इस विचार को, इस आंदोलन को बहुत तीव्रता से हमें आगे बढ़ाना है, तभी ये जो यहाँ पर तप हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है, एक एक तिल तिल करके, जिसके लिए मैंने कई बार आपको उद्धरण दिए कि एक संकल्प के लिए एक एक पल जीना, या और उसके लिए वर्षों वर्षों तक जीना, यह कोई साधारण घटना नहीं होती है। और इसको हमें जिस शिखर तक लेकर के जाना है उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना है। पूज्य आचार्य श्री को क्योंकि अभी दूसरे कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करना है, तो एक बार पुनः सभी हमारे पतंजलि के पांचों संगठन और हमारे स्वाभिमान के ओर से, और आप सब जो अहर्निश इस संकल्प के लिए प्रतिबद्धता के साथ तप कर रहे हैं, आप सब की ओर से एक बार पुनः पूज्य आचार्य श्री को बहुत बहुत अभिनंदन। ओ श्री गुरुभ्यो नमः। भाई राकेश जी आकर के जो अभी स्वदेशी के ही इस आंदोलन में बहुत बड़ा एक और नया एक विश्व कीर्तिमान पतंजलि ने बनाया कि FMCG सेक्टर जो है फास्ट मूविंग जो गुड्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं FMCG। तो ये जो डेली प्रयोग की वस्तु होते हैं, FMCG सेक्टर में सबसे बड़ा अधिग्रहण वो पतंजलि ने किया है आज़ाद भारत के इतिहास में, ये गौरव होना चाहिए आपको। तो भाई राकेश जी इस संदर्भ में आपको कुछ तथ्य रखेंगे, तो आपको गौरव होना चाहिए कि आपकी संस्था का की ताकत क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, और उसका आगे प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके लिए एक बार भाई राकेश जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बोले भारत माता की, बैठिए आप सभी लोग। आज यह जो पतंजलि के द्वारा जो स्वदेशी का कार्य हो रहा है, यह एक व्यापार नहीं, यह कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, ये देश को बचाने वाला काम है, ये व्यापार नहीं है, देश के लिए एक परोपकार की भावना से किया हुआ, कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए किया जाने वाला काम है। तो उसको तथ्यपूर्वक आप लोग रखें। और अभी भी ये जो रुचि सोया कंपनी का भी जो टेक ओवर किया पतंजलि ने, उसके पीछे का जो ध्येय है, भाई राकेश जी रखेंगे, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में हम सब देश के कोने कोने से आए कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी हमें बताया कि स्वदेशी के विषय में जो पतंजलि सेवा कर रहा है, अनेकों विषयों में जो पतंजलि सेवा कर रहा है, उसका मूल दर्शन क्या है। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा बताया कि जो विदेशी कंपनियां जो अपने देश में आती हैं, तो देश में आने से पहले जब वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये एनालिसिस करती हैं कि इसके यूजर कितने हैं, ये बाजार कितना बड़ा है, और हम कितनी प्रोडक्ट की खपत कर सकते हैं, उससे हमें कितना टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर से हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो उनका पूरा दर्शन केवल बाजार के ऊपर आधारित है। उनके लिए एक एक भारतवासी केवल एक ग्राहक है। पतंजलि के लिए भारत एक बाजार नहीं है, एक परिवार है, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया।
अभी देश में हम बात करें तो 16 लाख कंपनियां थी पिछले साल तक। इस साल भारत के वित्त मंत्रालय ने लगभग 4 से 5 लाख कंपनियां जिनकी रिटर्न जमा नहीं होती थी, जिनके अंदर कोई काम नहीं होता था, उनको बंद कर दिया। इन 12 लाख कंपनियों में से मुझे कोई एक भी कंपनी ऐसी दिखाई नहीं देती जिसका संकल्प हो कि हम अपना 100% चैरिटी में लगाएंगे। केवल आपकी संस्था, आपकी कंपनी पतंजलि एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका संकल्प है कि हम अपना 100% प्रॉफिट केवल और केवल चैरिटी में लगाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार हमें स्वदेशी का दर्शन देते रहते हैं, और शून्य तकनीकी की विदेशी कंपनियों का बहिष्कार, स्वदेशी का व्यवहारिक दर्शन यदि मैं बात करूं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया है। उससे पहले स्वदेशी के जब विचार की बात होती थी तो तकनीक के विरोध की भी बात होती थी, पूज्य स्वामी जी महाराज ने व्यवहारिकता दिखाते हुए, जैसे महर्षि दयानंद का संकल्प रहा है कि तर्क के आधार पर हमें सत्य का निर्धारण करना है, उन्होंने तर्क के आधार पर निर्धारण किया कि शून्य तकनीकी का हम विरोध करें, तकनीकी की को हम स्वीकार करें और उसके बाद अपनी तकनीक को हम डेवलप करें। तो हमारे महापुरुषों ने जो स्वदेशी का विचार दिया, महात्मा गांधी जी के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, उन्होंने उस समय एक सिद्धांत दिया था कि इस देश में हम समाजवाद नहीं चाहते, जो कम्युनिस्ट देश है उसकी तरह, वो भारत की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। तो महात्मा गांधी ने एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि जितने बड़े लोग हैं वो बड़े जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, उस फैक्ट्री को चलाते हुए, संस्थान को चलाते हुए जितना उनके लिए जरूरी है उतना वो रखें और बाकी सब देश के लिए, समाज के लिए, चैरिटी के लिए निकाल दें। गांधी जी की हत्या होने के बाद यही विचार जयप्रकाश नारायण जी ने रखा, यही विचार संसद में जॉर्ज फर्नांडिस ने रखा। बार बार ये बिल रखते रहे कि ऐसा हम कोई बिल लाएं जिससे पूंजीपतियों को हम राजी कर सकें कि वो अपना चैरिटी में लगाएं। अभी बहुत प्रयास करने के बाद आज़ादी के 65 सालों बाद एक बिल लाया जा सकेगा CSR का, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें यह तय किया गया कि जो बड़ी कंपनियों को प्रॉफिट होता है उसका 2% वो समाज की सेवा में लगाएं। तो महात्मा गांधी ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया वो आज़ादी के 70 सालों बाद भी ना तो देश की संसद उसको लागू कर पाई, ना कोई कंपनी उसका पालन करती है। आपकी संस्था अकेली ऐसी कंपनी है जिसने महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया है, अपना सब कुछ देश व समाज के लिए समर्पित किया है कि हम उद्योग भी करेंगे वो सेवा के लिए करेंगे। तो पतंजलि का जो उद्योग है वो सेवा के लिए योग है, वो ऐसा उद्योग है। पतंजलि केवल सामान नहीं बनाती, पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि पतंजलि अच्छे इंसान बनाने का काम करती है। पतंजलि केवल प्रोडक्ट नहीं बनाती, पतंजलि अच्छे इंसान बनाने का काम करती है। पतंजलि का संचालन कोई अमीर नहीं करता, पतंजलि का संचालन कोई ना कोई फकीर करता है। सारे फकीर मिलकर पतंजलि का संचालन कर रहे हैं। चंद्रयान का नाम आपने सुना होगा, तो चंद्रयान जिस इसरो से छोड़ा गया उस इसरो की स्थापना में डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो स्वदेशी के बहुत बड़े योद्धा थे, उनके गुरु डॉक्टर भाभा, उन्होंने उस जमाने में जब भारत आजाद हुआ तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम किया था, अपने घर के गैराज में लैब बनाई थी, स्वदेशी का उपक्रम शुरू किया था, उसी से बाद में भारत आज परमाणु के क्षेत्र में विश्व शक्ति बना। इसरो जो आज स्थापित है, आप आज हम सैटेलाइट खुद का छोड़ सकते हैं, दूसरे देशों का छोड़ सकते हैं, आज हम मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा। इन सब का जन्म, ये सब स्वदेशी के योद्धा थे, इनका जन्म स्वदेशी के आंदोलन से, स्वदेशी की विचारधारा से हुआ है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने देश को दवाइयों के उद्योग में, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर में, IIM अहमदाबाद जैसी 40 से अधिक संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। तो स्वदेशी के उस योद्धा को भी आज हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको वंदन करते हैं कि भारत आज यदि बड़ी ताकत है तो उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो कोई देश आगे बढ़ता है तो उसमें उस देश में उद्यमशीलता कितनी है इसका बहुत बड़ा योगदान रहता। आज हम जापान की बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो ये सब उद्यमशीलता में आगे हैं, तो पूरे देश का नेतृत्व, पूरे दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि हम इसके विपरीत बात करें अपने पड़ोसी देशों की, उसमें चाहे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें हम, या हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात करें, तो ये देश उतने आगे नहीं है क्योंकि यहाँ पर उद्यमशीलता नहीं है, कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है, इन सबको अपना सब कुछ बाहर से आयात करना पड़ता है। जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो सब
पूरी दुनिया को एक बाजार के रूप में देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट, हमारा सामान यूज करे, हमारी सर्विस प्रयोग करे, और इस काम को करने के लिए वो निम्नतर स्तर तक गिरती हैं, निचले स्तर तक वो गिर जाती हैं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हथियारों से युद्ध होता है, पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, वो तो जल में, थल में या नभ में होता है। ये जो कंपनियों का युद्ध होता है, जिसको कॉरपोरेट वार कहा जाता है, ये गला काट ऐसी लड़ाई होती है जिसमें कोई नियम का पालन नहीं किया जाता। केवल एक ही नियम का पालन किया जाता है कि हमें केवल और केवल कमाई करनी है, हमें केवल और केवल दोहन करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लूट होती है वो गरीब देशों की होती है, विकासशील देशों की होती है। विकसित देश आज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर या फौज लेकर कहीं पर नहीं जाते, वो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर धन लूटने का काम करते हैं। तो ये जो कॉरपोरेट वार होती है, ये कैसी वार होती है कि आप इंटरनेट के ऊपर टाइप करेंगे तो कोला वार के नाम से, कोक वार के नाम से आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। अमेरिका में दो कंपनियाँ हैं, कोका कोला और पेप्सी। तो ये जो कोक और पेप्सी हैं, इन दोनों का कोई ना कोई एक राष्ट्रपति होता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति जिम्मी कोर्टर, वो हमेशा कोका कोक कंपनी का प्लेन यूज करते थे। एक बार उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने कर्मचारी को पेप्सी पीते हुए देख लिया तो उसको नौकरी से निकाल दिया। तो ये कंपनियों का प्रभाव कितना है कि अमेरिका जैसे बड़े से बड़े देश में सरकार कौन सी बनेगी, राष्ट्रपति कौन बनेगा, मंत्रिमंडल किसका बनेगा, ये तय करने का काम ये सरकारें करती हैं। और जो छोटे छोटे देश हैं, वहां पर किसी की हत्या करवाना, किसी सरकार का तख्ता पलट करना, ये सब इनके लिए सामान्य बातें हैं। अभी 2003 का आपको ध्यान होगा, अपने भारत की एक सामाजिक संस्था है जिसने कुछ रिसर्च की कि पेप्सी और कोक में कितने कीटनाशक पाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक में, तो सबका उन्होंने आकलन करके निकाला। तो उस संस्था की जो हेड हैं सुनीता नारायण जी, उनके पास यूएस के जो एनएसए थे उस समय कोलिन पावेल, उनका फोन आया कि आप मल्टीनेशनल कंपनियों को बदनाम करना बंद कर दो। तो ये इतनी ताकतवर हैं कि ये किसी देश की सरकार को भी पलटवा देते हैं। डॉक्टर अंबुमणि रामदास जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिविर में 2008 में जो शिविर 2008 के लगभग अक्टूबर महीने में जो गुड़गांव में शिविर थे, उस समय अंबुमणि रामदास जी स्वास्थ्य मंत्री थे, वो पूज्य स्वामी जी महाराज के शिविर में आए। और डॉक्टर अंबुमणि रामदास जी ने जब तंबाकू की लोबी, तंबाकू के नुकसान को कम करने के लिए नियम बनाया कि सिगरेट के ऊपर चित्र छापना पड़ेगा 70% हिस्से में कि कैसे कैंसर होता है, तो अंबुमणि रामदास जी कहते हैं कि मेरे पास 150 से अधिक सांसदों के फोन आए कि आप ये कानून मत लाइए, आप ये नियम लागू मत कीजिए। तो मैंने आपकी इस बात की चर्चा इसलिए की कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये बहुत ताकतवर हैं, ये नियम कायदे कानून अपने हिसाब से तय करते हैं। कि ये जो कॉरपोरेट वार है, इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें केवल एक ही नियम है कि बाजार से पूरा कंपटीशन खत्म कर दो, पूरे प्रोडक्ट के ऊपर अपना कब्जा कर लो, ग्राहकों के ऊपर अपना कब्जा कर लो, पूरे नेटवर्क के ऊपर अपना कब्जा कर लो, और उसके बाद अपनी मनमानी करो, जो हम चाहें वो हम रेट तय करें, जो हम चाहें वो करें। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आपने बचपन में नाम सुना होगा, बहुत टीवी के ऊपर एड आता था अंकल चिप्स का, आता था या नहीं आता था? अभी आपको अंकल चिप्स कहीं बाजार में दिखाई देती है? वो अंकल चिप्स एक बहुत अच्छा ब्रांड था, अमृत स्वदेशी नाम से कंपनी होती थी, उसका ब्रांड था। पेप्सी ने जब अपना लेज लॉन्च किया, उसने जब देखा कि भारत के बाजार में तो अंकल चिप्स छाया हुआ है, एक एक दुकान पर, एक एक जुबान पर अंकल चिप्स का टेस्ट है और अंकल चिप्स है, जब तक अंकल चिप्स रहेगा हम भारत के बाजार में घुस नहीं सकते, तो उन्होंने अंकल चिप्स को मुंह मांगे दामों पर खरीद लिया। और खरीदने के बाद ये जो कंपनियां हैं, ये उस प्रोडक्ट को बंद नहीं करती, उस प्रोडक्ट को किल करती हैं। किल करना कैसे है कि उस प्रोडक्ट की सप्लाई बंद कर देंगे। जैसे किसी ने 100 पैकेट मांगे तो अंकल चिप्स के 100 पैकेट उसको नहीं मिलेंगे, वो कहेंगे अंकल चिप्स के तो 2 ही पैकेट मिलेंगे आपको, 98 पैकेट आपको पेप्सी के लेज के लेने पड़ेंगे। अब उन्होंने धीरे धीरे सप्लाई कम की तो वो ब्रांड को लोग भूलने लगेंगे, उस ब्रांड की क्वालिटी खराब कर देंगे। कि अपने ब्रांड को स्थापित करना है, लेज का चिप्स खिलाना है, तो अंकल चिप्स के टेस्ट को खराब कर दिया, उसकी क्वालिटी को खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट के ऊपर सारा कब्जा हो जाए। 2-3 साल पहले का मैंने रिकॉर्ड लिया था तो लगभग 800 करोड़ का चिप्स लेज पेप्सी को बेच देती है, अपने भारत में खिला देती है। इसी प्रकार एक साबुन होता था भारत में, ओके साबुन, हिंदुस्तान यूनिलीवर के
लाइफ बॉय साबुन को जो टक्कर दे रहा था कई स्टेट के अंदर, जब उन्होंने देखा कि ये ओके साबुन को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने लाइफ बॉय साबुन को घर घर तक पहुंचाने के लिए उस ओके साबुन को ब्रांड को खरीद लिया और उसको किल कर दिया। इसी प्रकार थम्सअप का नाम आपने सुना होगा, 1980 के दशक के बरातों में आप जाते थे तो ठंडा पिलाते थे, 1990 के दशक में थम्सअप का नाम आपने सुना है, माजा का नाम आपने सुना है, गोल्ड स्पोर्ट का नाम आपने सुना है, ये सारे ब्रांड कोल्ड ड्रिंक के भारतीय ब्रांड होते थे। जब पेप्सी और कोक दोबारा 1990 के दशक में जब दोबारा भारत में आई, तो भारत में भारतीय ब्रांड छाए हुए थे, उन्होंने उन सारे भारतीय ब्रांड को किल कर दिया। किल कैसे किया, किसी ब्रांड को कम्पीट किया, कंपीट पहले तो खरीदने का लालच दिया कि आप बेच दो अपना ब्रांड, और वो बेचने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनके साथ ऐसा कंपटीशन किया कि लागत से भी कम मूल्य पर उसके बराबर में प्रोडक्ट बेचा। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए 1 रुपए की बनती है और 1.5 रुपए की बिकती है, तो उन्होंने 70 पैसे में बेचनी शुरू की। और क्या, उन्होंने पॉलिसी अपनाई कि जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतलें नहीं थी, केवल कांच की बोतलें होती थी, तो कांच की बोतलें बनाने की जो मशीन जो कंपनियां होती थी जो फैक्ट्री होती थी उनके साथ टाई अप किया कि आपकी सारी बोतल हम खरीदेंगे, आप किसी स्वदेशी ब्रांड को अपनी बोतल नहीं बेचेंगे। मार्केट से जो पुरानी जैसे बोतल पी किसी ने, अब दुकानदार क्या करेगा, उस बोतल को वापस लेगा, वो बोतल रिफिल होने के लिए कंपनी में जाएगी, तो बाजार से सारी बोतलें खरीद के उनको चूर चूर करवा दिया ताकि उस स्वदेशी ब्रांड को भरने के लिए खाली बोतल ना मिले। तो ऐसा कौन सा ब्रांड था, लिम्का का नाम आपने सुना होगा, थम्सअप का नाम आपने सुना है, माजा का नाम आपने सुना है, गोल्ड स्पोर्ट का नाम आपने सुना है, सौराष्ट्र का एक ब्रांड होता था रिमझिम के नाम से, जो राजकोट के आसपास के गुजरात के आसपास के भाई बहन हैं उन सबको याद होगा, मसाला सोडा वो होता था। इन सारे ब्रांड को या तो खरीद लिया गया या और खरीद कर इनकी सप्लाई इनकी क्वालिटी खराब कर दी गई, और आप आज सब कुछ भूल चुके हैं, आपको केवल 2-3 ब्रांड पूरे बाजार में दिखाई देते हैं। आपको अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो या तो पेप्सी पीनी पड़ेगी या कोक पीनी पड़ेगी या फेंटा पीनी पड़ेगी, आपको कोई स्वदेशी ब्रांड नहीं मिलेगा। तो उन्होंने शीतल पेय पदार्थों के सारे बाजार के ऊपर कब्जा कर लिया। गोल्ड स्पोर्ट का जो टेस्ट है वो फेंटा जैसा होता था ना, आप में से किसी व्यक्ति ने पी हो पुराने समय में, माजा का जो टेस्ट है वो आज की आम के रस की जो दूसरे ब्रांड बने हुए हैं उनके जैसा होता था, तो इन सब को इन्होंने खरीद के